नमस्ते मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइन एडुकेशन मेजरलेस लर्निंग जैसे कि आप जानते हैं कि आज क्यू एन ए सेशन है और पहले सबसे पहले तो आप सब सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो हर कोई एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकता है ठीक है तो जानते हैं एक के बाद एक क्वेश्चंस यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए के ऐट द रेट पिंक टू फोर थ्री ये पूछ रहे हैं सर मुझे ट्वेल्थ के बाद बी लेना है जोग्राफी में ओके इसका क्या स्कोप है फ्यूचर में देखिए डियर इसका स्कोप बहुत अच्छा है फ्यूचर में अगर आप ज़्यादातर फील्ड वर्क में इंटरेस्ट करते हैं ज़्यादातर आप प्रैक्टिकल लर्निंग में इंटरेस्ट करते हैं तो बीए ज्योग्राफी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर बीए ज्योग्राफी भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है ठीक है एक होता है फिज़िकल जोग्राफी एक होता है ह्यूमन जोग्राफी अगर मैं बात करूँ फिज़िकल जोग्राफी में फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में आपको अर्थ के बारे में स्टडी करने, करने को मिलता है बाद में प्रोसेस के बारे में स्टडी करने को मिलता है बाद में फ़िजिकल मटेरियल्स के बारे में आप जान सकते हैं अगर आप ह्यूमन जोग्राफी के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर हो गया फिर बाद में ह्यूमन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं कल्चरल के ऊपर कम्युनिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर वो सारा हो गया आपके ह्यूमन जोग्राफी के ऊपर ठीक है अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हिस्ट्री चैनल हो गए फिर बाद में डिस्कवरी चैनल हो गए ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स बनते हैं बहुत सारे एपिसोड्स बनते हैं हिस्ट्री चैनल के ऊपर जहाँ पर उनका टेलीकास्ट होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जोग्राफी के ऊपर बहुत सारे ऐसे वैसे शोज़ होते हैं जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं वो इजिप्ट जाते हैं इजिप्ट के बारे में पूरा जाके पता करते हैं किस तरीके से मम्मी बनती है किस तरीके से वो आ, किस तरीके से वो उधर के राजा रहते थे तो उनके सारे कल्चर के बारे में जान के वो एक टेलीकास्ट किया जाता है वो भी एक तरीका होता है जोग्राफी का दूसरा तरीका होता है कि कोई एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में चला गया फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे शूटिंग करके आपको बताया जा रहा है कि ये ये फॉरेस्ट में ऐसी सारी चीज़ है जैसे अमेजोन फॉरेस्ट हो गया ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप जोग्रफी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फील्ड वर्क करेंगे तो ही आप इसमें सक्सीड होएंगे ठीक है और साथ ही साथ अगर आप ये कंप्लीट करके आप करियर प्लानिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो करियर ऑप्शन भी बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जैसे आप टाउन प्लानर बन सकते हैं जैसे आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं आप कंजर्वेशन ऑफिसर बन सकते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे जंगल में या फिर एनवायरमेंट के ऊपर आप स्टडी करेंगे फिर बाद में आप एन ओपन कर सकते हैं अगर आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बनते हैं तो क्या होता है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी होती है नहीं तो बहुत सारी इंडियन कंपनी होती है उनका क्या उनका क्या रहता है कि उनको कंपनी ओपन करने से पहले कुछ एनवायरमेंट के ऊपर कंसल्टेशन चाहिए रहता है कि क्या हम इस जगह पे ओपन कर सकते हैं अगर ओपन करेंगे तो क्या नॉर्म्स है क्या क्लॉजेस है तो इसके अंदर एज़ अ बी ए जोग्राफी कम्प्लीट करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कंपटीशन बहुत है लेकिन एट द सेम टाइम कॉम्पटिशन कहीं कहाँ नहीं होता है कॉम्पटिशन हर जगह है लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी बेस्ट इन योर स्ट्रीम चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे नानू पूछ रहे हैं आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे जिस पर आप संडे का सेशन लेते हैं बहुत बहुत शुक्रिया नानू सोचा कि मैं भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ टेंथ स्टैंडर्ड के बाद मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो तो क्या मैं कोई इंटरनेशनल करिकुलम के लिए अप्लाई करूँ जैसे मैं इंडिया के बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं ठीक है पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा है कि आपको आपका गोल है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है और दूसरे क्वेश्चन में आप ये पूछ रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप इंडिया के बाहर भी जाएं ठीक है लेकिन दोनों एक साथ आप अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड के बाद अगर आपका गोल है आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ओके एंड दैट टू विद द इंडियन गवर्नमेंट बोर्ड अब इंडियन गवर्नमेंट बोर्ड आप कहाँ से भी लीजिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड होना चाहिए दैट टू इंडियन गवर्नमेंट बहुत उसके बाद ही जाके आप कंपनी सेक्रेटरी का फॉर्म भर सकते हैं ठीक है कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है या सी ए का प्रोफेशन अगेन इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट जो निकलता है वो टू परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट और थ्री परसेंट निकलता है उससे ज़्यादा नहीं निकलता है ठीक है तो इसके अंदर आप लोग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है Uh, जैसे कि आप कंपनी ऑडिटिंग कंपनी ऑडिटिंग कर सकते हैं आप लीगल प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं कंपनीज के मिनट्स ऑफ द मीटिंग उनका होता है एनुअल फाइलिंग होता है ये सारे प्रोसीजर्स कंपनी सेक्रेटरी वाले करते हैं ठीक है तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है एट द सेम टाइम आप सेकेंड ऑप्शन ये पूछ रहे हैं कि आपको इंडिया के बाहर जाना है तो इंडिया के बाहर जाना है तो क्या होता है ना भाई हर कंट्री का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ठीक है तो अपने खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस करने के लिए आपको उस कंट्री में जाके उनका रूल्स एंड रेगुलेशन सीख के वहाँ की डिग्री लेनी पड़ेगी ए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ अगला क्वेश्चन मीनाक्षी शर्मा जी पूछ रहे हैं वी टू प्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप इन प्ले ग्रुप इन नारायणा स्कूल एट डोम्बेली फॉर अवर चाइल्ड एंड वी ऑल्सो पेड सिक्सटी थाउजेंड रुपीज ओके प्लीज़ गाइड अस हाउ टू आस्क देम फॉर द रिफंड डू दे विल कैंसिल सम मनी देखिए सबसे पहली बात मिसिस शर्मा सबसे पहली बात मिसिस शर्मा मैं आपको ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा कि नारायणा स्कूल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके बच्चे के लिए अगर आप अपने बच्चे को एस्पायर करते हैं कि वो आगे चल के आई में सिलेक्शन हो जाए उसका या एन में सिलेक्शन हो जाए जहाँ पे उसका स्कोप एज एन कंप्यूटर इंजीनियर ज़्यादा अच्छा आगे बढ़े ठीक है तो उस स्कोप के हिसाब से अगर आपने देखा है कंप्लीट करने के लिए तो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका लेकिन मुझे फील होता है प्ले ग्रुप के लिए साठ हज़ार रुपये डालना एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है बहुत बड़ा डिसीजन है ठीक है चलिए जैसे आपके क्वेश्चन आपने पूछा है कि अभी क्या करना चाहिए रिफंड प्रोसीजर के लिए दो आपने प्री एडमिशन लिया है तो प्री एडमिशन लिया तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल वाले कोई भी अथॉरिटी ये आपको बोलेंगे कि आपका हम पैसे कटेंगे या फिर आपको हम कुछ पैसा काट के देंगे क्योंकि आपने प्री एडमिशन लिया और उतना दिन स्कूल ने भी वो पैसा यूज़ किया है ठीक है लेकिन अभी हमको यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं बहुत सारे स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अगर आपने उनसे लिखित में लिख के लिया है कि अगर कल को जाके कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है क्या एडमिशन विड्रॉ करने में पूरा पैसा मिलेगा तो आपके लिए बेस्ट है नहीं तो फिर आप एक रिटर्न कम्युनिकेशन रखिए जो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन रखिए और रिटर्न कम्युनिकेशन बोल के उनको रिक्वेस्ट कीजिए उनको बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है उनको अपना सिचुएशन संभालिए जाके प्यार से बात कीजिए झगड़ा करने से कुछ काम नहीं होता है भले अगर साठ हज़ार रुपये में से अगर समझ लीजिए वो आपको फिफ्टी एट थाउजेंड रिटर्न दे दिए समझ लीजिए फिफ्टी फाइव थाउजेंड भी रिटर्न दे दिए तो फिर भी आपका बेनिफिट ही हुआ आप कहीं पे भी उसमें लॉस में नहीं हो रहे हैं ठीक है तो मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगा आप रिटर्न कम्युनिकेशन रखिए एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के स्टाफ के साथ प्यार से बात कीजिए और अपना काम प्यार से निकाल के लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है भाविन शाह से ठीक है इनका क्वेश्चन ये है कि आई वॉन्ट टू मेक माई सन आई वॉन्ट टू मेक माई सन टू बिकम एम बी बी एस बट वॉट आई गॉट टू नो फ्रॉम माई रिलेटिव डूइंग एम बी बी एस इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो प्लीज़ एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एम बी बी एस इन अब्रॉड ओके बजट इज कंस्ट्रेन फिफ्टीन लैक दैट टू वी आर कीपिंग अवर होम ऑन मॉर्गेज ओके सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि इसको नोबल प्रोफेशन बोला जाता है आज के कोविड नाइन्टीन के सिचुएशन में डॉक्टर ही जो ऐसे हैं जो हमारे लिए एक भगवान के रूप में साबित हुए होते दिखाई दे रहे हैं ठीक है और काफ़ी ज़्यादा नोबल प्रोफेशन उनके तरफ से ही रन हो रहा है बहुत दिनों तक वो घर पे भी नहीं जा रहे सबसे पहली बात तो सल्यूट हमारे डॉक्टर्स को हमारे नर्सेस को हमारे पुलिस ऑफिसर्स को हमारे आर्मी को कि वो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेल्प कर रहे हैं बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ एम देखिए अगर आपने एब्रॉड का ऑप्शन चूज़ किया है तो एम के लिए मैं आपको सबसे सस्ता और किफ़ायती ऑप्शन एक रशियाई बोलूँगा क्योंकि वो एक मेडिसिन का हब है ठीक है प्लस टेक्नोलॉजीज उनके पास बहुत सारी अच्छी है तो आप रशिया का ऑप्शन बेस्ट है लेकिन एट द सेम टाइम आपका बजट भी तो कॉन्स्टेंट है तो अगर आप अब्रॉड के लिए देख रहे हैं तो रशिया का आपको अगर बता दूं तो रशिया में जब आप कंप्लीट करते हैं आपका एम तो आपको एम की डिग्री नहीं मिलती आपको जो डिग्री मिलती है उसको बोला जाता है एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ओके okay, तो अभी इसके अंदर ये क्या होता है जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मिलता है वो भी एमबीबीएस के ही इक्विवेलेंट होता है इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करते हैं वो डिग्री तो ठीक है लेकिन वहाँ पे जाने के लिए भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं सबसे पहला कि आपका एन एन आपने नीट का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए ठीक है जो यू से ऑर्गेनाइज़ होता है फिर आपको इसके अंदर आई और टोफेल क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका जो भी पढ़ाई होता है वो प्योर इंग्लिश में होता है ठीक है प्लस आपको परसेंटेज भी सिक्सटी परसेंट एंड अबाउ चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ठीक है और यहाँ पे आपको जो कंप्लीट करने के लिए टाइम मिलता है वो सात साल लगता है आपको कंप्लीट करने के लिए जिसके अंदर एक साल का इंटर्नशिप भी इंक्लूड होता है मतलब करीबन करीबन आप छः साल की पढ़ाई करेंगे और एक साल का आपका इंटर्नशिप होगा ठीक है इसके अंदर जो खर्चा होता है वो भी अराउंड अगर हम मिनिमम खर्चा पकड़े तो मिनिमम खर्चा भी अराउंड आपका आम... 5,400 थाउजेंड डॉलर्स के करीब करीब जाता है और मैक्सिमम खर्चा आपका जाता है 9,500 थाउजेंड डॉलर्स के करीब करीब जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ते हैं अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ फ़ाइव थाउजेंड डॉलर्स को तो करीबन 5 लाख ,00 रुपीज़ होता है अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ नाइन डॉलर्स को तो करीबन सेवन लाख सेवन लाख ,00 रुपीज़ होता है अगर हम एवरेज पकड़े तो एवरेज के हिसाब से अगर लेटसन एग्जाम्पल छः लाख रुपये अगर आपका सालाना जा रहा है तो सिक्स सिक्स द थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स लाख रुपीज़ था आपका वहाँ पर ही चला गया प्लस वहाँ पर रहने का जो खर्चा है टू हंड्रेड डॉलर्स पर मंथ ओके वो तो उन्होंने बोला है उसके ज़्यादा भी अलग खर्चा होता होगा चलिए हम टू हंड्रेड डॉलर्स पर मंथ के हिसाब से पकड़ के चलते हैं तो करीबन करीबन आपको आपका एम बी बी एस कम्प्लीट कराने के लिए आपके बच्चे को करीबन करीबन आपके पॉकेट में पचास से लेकर साठ लाख रुपये होने चाहिए तो ही आप रशिया के लिए ऑप्ट कीजिए ठीक है अगर मैं वही चीज़ अगर इंडिया के बारे में बात करूं अच्छा हाँ एक और चीज़ आप रशिया से आने के बाद आने के बाद आपको अगेन एक आ, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देना होता है जिसको बोलते हैं एमसीआई एमसीआई का एक स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है जब आप वहाँ पे से इंडिया में आते हैं तो इंडिया में जब आप प्रैक्टिस करने को देखते हैं तो आपको वो स्क्रीनिंग क्लियर करनी होती है तो आपको एम की डिग्री भी मिल एम की डिग्री में कन्वर्जन भी हो जाता है एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर डॉक्टर एज अ प्रैक्टिस करने को भी मिल जाता है ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं जैसे हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में आपका बजट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं जैसे अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका जो मैक्सिमम खर्चा जाएगा वो साठ हज़ार से लेकर पैंसठ हज़ार से ही पैंसठ हज़ार तक ही लगेगा उससे ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेती भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ना हो भले वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एम्स की बात करूँ तो एम्स में तो आपका तीन हजार चार हजार रुपये ही सालाना खर्चा है उससे ज्यादा तो है ही नहीं आपका खर्चा ठीक है तो अगर अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है आपके बच्चे को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपका चार से लेकर पाँच लाख रुपए का बजट में पूरा आपका एम बी कंप्लीट हो जाएगा ठीक और ऑप्शन आपके सामने मैं देना चाहता हूँ दैट इज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज ये पुणे में है ठीक है ये कॉलेज भी अगेन आर्म फोर्सेज से रिलेट करता है ये लोग भी मेडिकल डिग्री देते हैं दैट इज एम बी बी एस यहाँ पर भी आपका साठ हज़ार से लेकर सत्तर हज़ार के बीच में खर्चा होता है इसका अलग प्रोसीजर होता है वो आप जाके इंटरनेट में पढ़ सकते हैं ठीक है और इसके साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ऑप्ट करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपका करीबन करीबन जो खर्चा लगता है साठ से ले कर अस्सी लाख रुपए तक लगता है यस क्योंकि यहाँ पे डोनेशन का फंडा आ जाता है डोनेशन के फंडा के हिसाब से कैसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो पंद्रह लाख रुपये तो आप मिनिमम पकड़ के चलिए कि आपके बच्चे का एक एम का खर्चा हो गया प्लस आपका यूनिवर्सिटी का खर्चा वो अलग यूनिवर्सिटी का उनको एक टाइम फ़ीस दिया जाता है अराउंड टू पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ प्लस साथ ही साथ उधर मेस चार्जेस हो गया वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ मतलब आप मिनिमम खर्चा पंद्रह लाख तो पकड़ के ही चलिए जो अच्छी कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेज और जो नामचीन है ठीक है अगर मैं छोटे छोटे कॉलेजेस की बात करूं जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जैसे आप बहुत सारे छोटे छोटी जगह होता है जैसे टीयर टू टीयर थ्री सिटी हो गई अगर आप वहाँ पे चले गए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पे भी आपको डोनेशन तो पहला देना ही पड़ेगा पंद्रह से बीस लाख रुपये प्लस फिर बाद में उसके अंदर अलग सा प्रोसीजर कि आपका चार लाख रुपये खर्चा आपका ट्यूशन फी का और प्लस उसके अलावा आपको मेस चार्जेस मतलब अगर आप उस तरीके से प्रेफर करें तो डिपेंड करता है प्योरली कॉलेज टू कॉलेज लेकिन जहाँ तक मुझे पता है करीबन करीबन आपको आपका पॉकेट में 40 हजार चालीस लाख से लेके 80 लाख के बीच में खर्चा आता ही आता है अगर आप एम के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ओके बेस्ट होगा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप अपने बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर कराइए क्यों ना आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर कराइए कि वो कुछ भी करके गवर्नमेंट एग्जाम में क्लियर करे और गवर्नमेंट सीट्स हासिल कर सके ताकि आपका भी पैसा बच सके और आपका जैसे आपने बोला है कि आप घर मॉर्गेज पे रख के आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो जहाँ तक मैं जानता हूँ भाविन भाई ये आपका फैसला गलत हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा दूसरे जगह पे आप अप्लाई करने को देख होप सो आज का क्यू एन ए सेशन आपने एंजॉय किया होगा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके भी कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स का मैंने उसमें आंसर दिए होंगे और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए आप अपने चैनल पे साइन एडुकेशन इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन से फ्लड कीजिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है ई का उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी तरीके से मिलेंगे हम अगले संडे और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्यून है सेशन के साथ तो टिल देन एंड जय हिंद जय भारत स्टे सेफ